अभी अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें एक अपने कल्चर को प्रमोट करता हुआ एक यहाँ पे आउटलेट दिखा है छोटा सा, और रेलवे की तरफ से यहाँ पे रेलवे ने इनको जगह दी है। और ये पथिक एडिशन ऑफ उत्तराखंड, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं अभी देखेंगे हम। और इसके साथ में ही यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सैलून है। और कब तक तो खुला रहता है ये? 8:30। और वो साथ में मसाजर चेयर भी है, उसकी क्या कॉस्ट है? मतलब कोई मसाज करवाना चाहेगा तो अच्छा 300 रुपये में 20 मिनट्स में आप आराम से रिलैक्स होकर जा सकते हैं ना। और इसको देख के तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे कल्चर से रिलेटेड ये काफ़ी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, और इनके साथ काफ़ी एनजीओज भी जुड़े हुए हैं, वो हमें भी प्रमोट करना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो इट फर्दर। वेलकम गाइज, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम आ चुके हैं काठगोदाम में, और रेलवे स्टेशन में एक हमारे पास बहुत ही यूनिक स्टोर है जो कि रेलवे स्टेशन के अंदर ही आपको इसी प्रमाइसेस के अंदर मिल जाता है। तो चलिए आइए और मिलते हैं यहाँ के ओनर से, बाकी डिटेल्स उनसे पूछेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्ते नमस्ते। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। मैं मोहम्मद हुसैन काठगोदाम से ही हूँ। और काठगोदाम में ही हमेशा से मैंने कार्य किया है। तो पहले मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल मैंने काम किया, और वो सब हैंडीक्राफ्ट को ही लेके काम किया जी। तो फिर हम लोगों को ये समझ आया कि हम टूरिस्ट के पास अगर ये सामान पहुंचाना चाहते हैं, हम पूरे देश विदेश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या डेवलप हो रही हैं, तो इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। तो मैंने 2.5 साल यहाँ रेलवे में स्ट्रगल किया, और उसके बाद ये जगह मेरे को मिली, और फिर मैंने इसको सेटअप किया। काफ़ी यूनिक एफर्ट्स कर रहे हैं ये, और इन्होंने जैसे बताया कि 5 स्वयंसेवी संस्थाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके थ्रू ही ये पूरा मटेरियल वगैरह तैयार करते हैं और यहाँ पर आके उनको लेआउट करके बेचते हैं। उसको वही चीज़ है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। और जो लोकल यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं हमारे पहाड़ों में जो रह रहे हैं, उनके लिए भी एक रोजगार का काफी बढ़िया एक साधन हो गया है ना सर। मैं 5 NGO में, जैसे हम लोग सबसे पहले उमंग हो गया, एजी हो गया, और SOS ऑर्गेनिक हो गया, मुंशारी हाउस हो गया, एपन का हो गया, नीतू पाटा गया, मंजू रोतेला हमारे नैनीताल में बना रहे हैं। तो एक एक करके आप चीजें बताइए सर। पहले तो ये मेरे सामने ये रखा हुआ है, नेम प्लेट जैसा दिख रहा है ये, और ये देखने में काफी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, और ये पूरा वुडन है ये। हाँ सर, हाँ जी, वुडन पे हम लोग पहले इसको वुडन पे तैयार करा रहे हैं, उसके बाद हम इसको NGO में भेज दे रहे हैं। अच्छा। और वहाँ पर गर्ल्स इसको जो है तैयार कर रही हैं, फिर एक पेंटर से हम उनका नाम लिखवा दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, ये डायरेक्टर विवेकानंद हॉस्पिटल हल्द्वानी के, एक अभी हमने DM जो हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं ये, इनके बारे में हमने जितना पढ़ा है, हालांकि मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी उनके पास जाऊँगा तो मैं उनको ये जरूर धीरज सिंह मतलब आपने खुद अपने तरफ से बनवाया है। जी जी जी, अपनी तरफ से। ये देखिए अपने तरफ से धीरज सिंह गर्ब्याल जी के लिए इन्होंने बनाया है, और ये काफ़ी मुझे मतलब हार्ट मेल्टिंग लगा मुझे। और चलिए बहुत अच्छी बात, अगर हम बनवाना चाहें तो कितने का पड़ेगा? बिल्कुल, इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम आपको इसका एक रीजनेबल कॉस्ट हमने रखी है, 800 रुपीज़। हम 800 रुपीज़ में कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट चीज़ क्या है? और इसमें हम लोग चंद हर्ब्स जो हमारे पहाड़ की जड़ी बूटी हैं, जो खाने में कुछ डाल दो तो एक सुगंध महसूस होती है कि पहाड़ की है हमारे, तो खाने में जो है लेमन ग्रास रोजमेरी, ओके, ओरिगैनो और थाइम, इसके लिए प्रचलन में बहुत ज्यादा है जी। तो ये कहाँ उगाए जाते हैं? ये हमारे पहाड़ों में जंगल में जो बूटी होती है। अच्छा। ये वहीं की महिलाएं जानती हैं कि ये कौन सी चीज किस चीज में काम आती है। आजकल ऐसे ऑर्किड्स वगैरह बन रहे हैं जहाँ पे ये सारी चीजें उगाई जाती है। एक चूक ऑयल आ रहा है हम लोगों के पास, चूक ऑयल। तो कुछ लोग आपने देखा होगा ना, खाने में खट्टा पसंद करते हैं कि हमारा खाने में थोड़ा खट्टा हो तो ज्यादा अच्छा लगता है उनको, तो इसकी 2-3 बूंदे अगर खाने में डाल दी जाए तो वो टेस्ट ले सकते हैं। और चूक आपको पता होगा, बड़ा जो नींबू होता है उसको सुखा करके उसको बनाया जाता है। ठीक ठीक। और उसके बाद हमारी एक उमंग NGO है, उस NGO से हमें ऑरेंज मार्मलेड, मैंगो चटनी, प्लम चटनी, प्लम जैम, ग्रीन चिली पिकल्स, और गार्लिक पिकल्स, और नेचुरल लीची हनी।
है, ये जो है वहाँ से हमें मिल रहा है। और एक हमारे बहुत ही शानदार एक एनजीओ है यहाँ पर जो इतना बढ़िया काम कर रही है कि जिन्होंने टी के लिए बहुत काम किया है, एक अलग अलग फ्लेवर में हर्बल टी है उनसे, हर्बल टी है हाँ सब, तुलसी लेमन ग्रास अदर तमाम तरीके की है, 150 की है। तो इसको आप आराम से एक महीना यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही शानदार टी है, बहुत ही बढ़िया फीडबैक है। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि जो भी इसको लेके जाता है वो बोलता है कि नहीं टी बहुत अच्छी। ये बनाए SOS ऑर्गेनिक, SOS ऑर्गेनिक ये अल्मोड़ा में चिताई मंदिर के नीचे है, मिस्टर संतोष और अमृता उनकी वाइफ जी ये लोग इनको बना रहे हैं और इनका एक बहुत बड़ा काम है कॉस्मेटिक पर। अच्छा, कॉस्मेटिक पर ये काम कर रहे हैं, हैंड क्रीम, फेस क्रीम, लेवेंडर और नाइट क्रीम, फुट स्क्रब, लिप बाम, मसाज ऑयल, ये बहुत चीजें वो बना रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं बहुत लोगों को, सारे गांव के लोगों को रोजगार। ये पंत गांव है, सिर्फ पंत गांव की तमाम महिलाओं को, नव युवकों को, तमाम लोगों को इन्होंने जॉब दे रहा है। क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग बाहर फैक्ट्रीज वगैरह खोल रहे हैं अपने पहाड़ में भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि बाकी को भी रोजगार मिले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, है ना सर, एनवायरमेंट के साथ छेड़छाड़ की। हाँ सर, ये तो मुझे काफी डेलिकेट लग रहा है, इसको वापस रख दीजिए, काफी अच्छा भी है, हम ट्राई करेंगे यहाँ से। और उसके अलावा मुंशारी की ग्रीन टी काफी हम लोग, मुंशारी में एक पर्याप्त रावत है जो मुंशारी हाउस करके चलाते हैं, तो उनके दन उनके पास से आए हुए, उनके पास के राजमा, इनके बारे में बता दीजिए सर एक बार, दन के बारे में, ये बहुत फेमस है। हाँ, ये जो है उन्होंने मेरे को कुछ साइज के दिए हैं कि मंदिर का आगे बिछा दीजिए या योगा बैग में डाल के इसको कहीं पर भी आप योगा करें, योगा करवा लीजिए। वहाँ के फायदा क्या मैं बता देता हूँ, मेरे पास भी योगा मैट है घर में, लेकिन वो क्या है कि दैट इज टेयरिंग अपार्ट, मतलब उसमें चीजें निकल रही, प्लास्टिक की है वो, रबड़ की है बनी हुई, ये तो सालों साल चली, ये तो साल निकलने वाला, इसमें निकलने वाला कुछ है ही। और हम मुंशारी से खुद हैं तो हमारे पास दन है पड़े हुए और वो पता नहीं कितने सालों से, इसको मैं जानता हूँ, ये हमारे गांव में यूज किया जाता है, इसको थुल्पू बोलते हैं, थुल्पू बोलते हैं, बाकी जगह में ये इतना गर्म होता है, मुंशारी 10,000 फीट अबाउट सी लेवल से है, तो इसलिए वहाँ पर इतना ही गर्म पहनना ओढ़ना पड़ेगा, तभी थोड़ा भारी होता है, भारी होता है, हल्का नहीं होता, भारी होता है काफी, और बहुत ज्यादा गर्म गर्माहट होता है। हमारे जूस की पूरी रेंज है जिसमें माल्टा, लीची और सबसे स्पेशल जूस जो है हमारा ब्रांच का, जिसको रोडोडेंड्रन एक फूल होता है, तो मिस्टर बाबर हैं कैंची धाम में, उनका एक आउटलेट है, उन्होंने इससे हमारी मदद, रानी खेत वगैरह में भी शहर निकालते हैं, रानी खेत में भी है, बिल्कुल चौबटिया में, बिल्कुल चौबटिया। और KGU एक हमारी मुक्तेश्वर में डेवलप है, तो वो हमें कीवी की जैम, कीवी की चटनी और किचन हर्ब्स और राजमा, ये सारी चीजें हम लोगों को, मुंशारी के राजमा भी आते हैं। हाँ, मुंशारी के राजमा मेरे पास अभी कल तक थी, जो आज स्टॉक में खत्म हो गई है, हम भी लाते हैं। हाँ, मुंशारी की राजमा बहुत थी, लेकिन लोग मुंशारी के नाम से सबसे पहले खरीद लेते हैं और वो स्टॉक जल्दी खत्म हो जाता है, फिर ऑर्डर किया। प्राइस बाकी रीजनेबल है या फिर? प्राइस बहुत रीजनेबल है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर उन्होंने अपनी MRP रखी है, कि कोई भी कस्टमर हमसे ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा MRP ऐसा नहीं है, ये जो आपके हेल्थ को नुकसान करे, केमिकल इसमें किसी में, किसी भी प्रोडक्ट में, इस चीज की हम गारंटी लेते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में खाने से जो रिलेटेड है कोई भी केमिकल, कोई केमिकल नहीं, तो पता है वो तो यूज कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है तो उनके पास। ये एप्रिकॉट ऑयल है, बहुत यूनिक है, और ये KGU किलमोड़ा करके एक NGO है मुक्तेश्वर में, तो वो ये दे रहे हैं, ये बॉडी के छोटे मोटे जॉइंट पेन या चोट लगने के बाद निशान रह जाता है, तो उसमें लगाने पर वो निशान हट जाता है। अच्छा। तो ये उस लिए बहुत शानदार है और बिल्कुल नेचुरल है, ये इसका प्रोसेसिंग सिस्टम आपने देख लिया तो आप कहेंगे कि क्या सिस्टम है, मतलब इसमें कुछ कर ही नहीं रहे वो लोग। अच्छा। वो बना रहे हैं, छान रहे हैं और पैक कर रहे हैं, तो देख लीजिए प्योरिटी कितना ज़्यादा प्योरिटी। अच्छा, अमाउंट कितना है सर इसका? 250 रुपये है, 250 रुपये। अब बाकी अगर आप जाएंगे कॉस्मेटिक चीजें वैसे बहुत महंगी होती है, तो आप एक बार ये ट्राई करते हैं। लोग टायर्ड हो जाते हैं काम करके, ऑफिस से आए या बिजनेस में ना, तो एक कैमोमाइल टी है हमारे उत्तराखंड में। ओके, जो मुझे बड़ा खुशी होती है लोगों को बताते हुए कि इवनिंग टाइम में आप इसको पीजिए, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाए। कैमोमाइल टी है ये, देखिए नेचुरली इट इज कैफीन फ्री, ये कैफीन फ्री भी है। और एक हमारे उत्तराखंड का सबसे फेमस जो है वो मडवे का आटा, मडवे का आटा, ये मडवे का आटा जो हमें उमंग दे रहा है, तो ये बहुत इस वक्त सेलिंग प्रोडक्ट है। इसका क्या प्राइस है सर? इसका 90 रुपीज है, 90 रुपीज। और इसके अलावा एक झिंगोरा है जिसकी खीर बनाते हैं,
पहले के जमाने में झिंगोरा लोग खाया करते थे, चावल बनाते थे इसका, वही जी जी वही है, चावल वाला है ये। और इसमें लोग खीर बनाते हैं, और ये इसकी प्रोडक्शन होती ही नहीं ज्यादा, बहुत कम है, बहुत कम प्रोडक्शन होती है। इतना सेलिंग प्रोडक्ट है कि हमके पास डिमांड पूरी नहीं है। ये एज अ मिलेट्स यूज किए जाते हैं, अगर आपको पता होगा मिलेट्स हमारे ज्यादा सदर साइड में यूज किए जाते हैं, और पहले तो बहुत एज ए स्टेपल था, लेकिन अब ये विलुप्त होते जा रही है मेरे हिसाब से। तो जी 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 बहुत कम मिलता है, अगर आप उसमें भी जाएंगे तो नहीं मिलेगा। दालों में मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म दाल होती है, और इसका एक बहुत अच्छा फायदा ये है कि अगर पेट में छोटे मोटे स्टोन है वो इस दाल से बाहर आते हैं। बहुत ही फेमस दाल है ये उत्तराखंड की, मतलब ये ऐसी दाल है कि इसको हर कोई जानता है कि हाँ गौद की दाल, स्टोन के लिए इसको बोला जाता है गर्द की दाल। जैसे गहद बोलते हैं हमारे यहाँ, गर्द बोलते हैं, थोड़ा लैंग्वेज का फर्क होता ही है। जी जी डायलेक्ट का फर्क होता है सॉरी। और ये छोटी छोटी महिलाएं जो काम कर रही हैं, तो हम उनका भी सामान रख रहे हैं, कि जैसे उन्होंने रेड चिली पाउडर, अच्छा, टर्मरिक पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, ये सब हाथ से पीस रहे हैं वो, और पैक करके हमें देते हैं। होता है जैसे लक्ष्मी की चौकी, शिव शक्ति पीठ, विवाह चौकी और ज्योति पट्टा, अच्छा, तो ये अलग अलग तरीके के अलग अलग डिजाइन है, और हमारे हिंदू धर्म में उनको अलग अलग महत्ता के लिए रखा गया है। जैसे कि लक्ष्मी की चौकी है, तो दिवाली में दहलीज में उसको यूज करते हैं कि लक्ष्मी की दीवार में लगा सकते हैं। हाँ, अब इसको हम लोगों ने क्या किया, हम इसको ऐसे किया है, हम लोगों ने हम फोटो फ्रेम में भी करा रहे हैं, तो आप उसमें फोटो लगाइए, और इसका जो है मतलब ये जो आर्ट है ये एपन आर्ट ये सब एपन आर्ट। मकट्टा के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर बागेश्वर में बैजनाथ का मंदिर है, जी जी जी, उसके अंदर 13वीं शताब्दी का ये ज्योति पट्टा रखा हुआ है। अच्छा, सेम ये उसको उतारा हुआ है। हाँ, मतलब अब जो है ये उसकी नकल हम लोगों के पास आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत ज्योति पट्टा क्या था इसकी, जैसे कपड़े में है तो हम इसको मान के चलते हैं कि करीब ये 2500 रुपये का, 2500 रुपये का। तो फ्रेमिंग अगर करानी हो तो फ्रेम करा के जो उसका कॉस्ट जो है, हम लोग उसमें भी काम कर रहे हैं, फाइल फोल्डर लोग ऑफिस में रखते हैं, और ये हम फाइल फोल्डर में अपना ऐप बहुत बढ़िया है, स्टाइलिश भी है, और आजकल लोग वैसे ही पुरानी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। थाली के लिए हम एक तैयारी कर रहे हैं कि हम कंप्लीट पूजा का थाल जी कस्टमर को यहाँ प्रोवाइड कराएं, कि उसे कुछ करना ना पड़े, और वो पूरा लेके जाए, ऑयल भी रखे, टीके के लिए भी रखे, सारी चीजें रखे, और उसमें कितना शामिल रहेंगे। आजकल योगा का बहुत चलन है, तो एक योगा के ही ये निशान माने जाते हैं ये, तो हम लोग ऐसा योगा का वही जैसे शक्तिमान में देखा था हमने, कुंडलिनी जागृत होती है तो उसमें ये दिखाया जाता है, ये सब दिखाया जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो, कुंडलिनी जागृत करते हैं वही चीज है, तो ये योगा मैंने देखा था, योगा का बैग है, और कवर बैग है, देख सकता हूँ। अच्छा, ऐसे स्लिंग यूज कर सकते हैं इसको, स्लिंग बैग, ऐसे लेके जाना है बस, इसके अंदर मतलब फैशनेबल लग रहा है, फैशनेबल है। और देखा जाए तो जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो लोग ज्यादा लेके जाते हैं, जी जी, तो हमको भी लेना चाहिए वैसे, क्यों सर? बिल्कुल लेना चाहिए, और इसकी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 500 रुपये। अभी हम मुंशारी के कैप की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जाड़े तो हैं अभी यहाँ पर, लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं कि कितना सॉफ्ट है, आप छू के देखिए, इतना सॉफ्ट आपको एक कैप नहीं मिलेगा, इससे भी सॉफ्ट आता है क्या, या सबसे सॉफ्ट नहीं है, एक और आता है जो वहाँ पर दो थे वो ले गए, इतनी गर्मी में भी लोग ले गए, अभी देखिए इसको बोलते हैं अंगोरा टोपी, अंगोरा बहुत ही ज्यादा, अब ऐसा तो पता लगेगा नहीं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ही हल्का होता है ये, और इसकी कॉस्ट है 550 रुपीज़ है। और ये ग्लव्स काफी गर्म होता है, ये ग्लव्स हैं, ये काफी गर्म है, सॉक्स हैं, ग्लव क्या कॉस्ट के हैं ये 250, 250 में आपको 20 उंगलियां मिल रही हैं, अच्छा 10 उंगलियां मिल रही हैं, और ये सॉक्स हैं, ये सॉक्स काफी गर्म है, ये भी मुंशारी है, ये भी मुंशारी, ये कितने के, ये 250, ये 250। और एक अभी हमारे पास शॉल की स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा सुंदर सा शॉल भेजा उन्होंने बना के, हैंडमेड है सब, अच्छा, तो ये 1450 रुपये का है, 1450 रुपये। ये टी शर्ट पे भी काम कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं, हम टी शर्ट पे भी काम कर रहे हैं कि हम टी शर्ट बनाएंगे और उसमें ऐपन कराएंगे, अच्छा लग रहा है, ये ट्रेडिशनल आर्ट है यहाँ का, तो निकलेगा तो नहीं है ना, ना ये निकलेगा, क्योंकि लोगों को डर होगा ना कि कहीं निकलना जाए, ये फैब्रिक, ये तो जेन्युइन चीज है, ये फैब्रिक पेंट है, तो ये निकलेगा, निकलेगा नहीं, हां ये क्या है, कॉस्ट है ये 400 रुपये, ये 400 रुपये जी। टी शर्ट मुझे काफी पसंद आया, अच्छा लग रहा है काफी,
मतलब एक दिन अपना कल्चर अगर हम लेके घूमेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। तो इसके अलावा साइजेस इसमें अवेलेबल होंगे मीडियम? हाँ, अभी अभी हमारे पास सिर्फ एक ही साइज के 3 पीस हैं, ये मीडियम है। प्रिंट कहाँ से करवा रहे हैं आप? ये इसको हम लोग टी शर्ट लेने के बाद इसको सीधे अपने भीमताल भेज देते हैं। अच्छा, वहाँ प्रिंट? और भीमताल में जाके फिर वो गर्ल्स उसमें बैठ के आराम से इसमें काम करती है, क्योंकि इसमें कलर जो है फैलने का डर रहता है। अच्छा, तो उसका ख्याल रखते हुए वो उसमें प्रिंट करते हैं। मतलब हाथों से हो रहा है सारा? होता है ये सब हाथों से, सब हाथों से हो रही है। और ये डिजिटली प्रिंटेड नहीं है? अच्छा, ये कितने का? ये 800। डिस्काउंट वगैरह भी हो जाता है या फिर? ना ना, इसमें हम बस यही नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि जो एनजीओ ने हमें MRP दे दी, हम उसको ना आगे करेंगे ना पीछे करेंगे, वो उसको उसी MRP पे दे देंगे। और हम एनजीओ को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका 80% पैसा आपको वापस मिलेगा, और 20% में हम लोग शॉप का रेंट मानेंगे, या यहाँ पे एक सेल्स गर्ल बैठती है सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक, हम उसकी सैलरी मांगेंगे। और उसके अलावा एक छोटा सा ये पेन स्टैंड बनाया है हमारे वहाँ की गांव की महिलाओं ने, तो ऑफिस में रखने के लिए बहुत शानदार है। और उसके बाद उन्होंने ये अपन कर दिया है, तो ये बड़ा सुंदर में ये याद मिलता है आपको? ये याद मिलता है। ये मंदिरों में रखा जाता है? मंदिरों में, गुरुद्वारों में, जब वो आता है ना ग्रंथ करते हुए जाते हैं, तो ये भी सेल के लिए होगा? ये भी ₹1500। कैनवस पे करा रहे हैं अभी हम, इसको तैयार नहीं है लेकिन काम इसमें पूरा हो चुका है। अच्छा। हम इसको पहले लेमिनेट करेंगे, उसके बाद इस पर फ्रेमिंग करेंगे, फिर इसको सेल के लिए। लक्ष्मी यंत्र है? लक्ष्मी यंत्र? हाँ, मतलब पता भी नहीं, मंदिर में लगा सकते हैं? हाँ, मंदिर अपने घर में इसको लगा सकते हैं। लक्ष्मी की चौकी है। अच्छा, एक हमारे गणेश जी की, गणेश जी। इसके बारे में और बता दूं मैं, एक आखिरी रह गया था। ये हमारे पहाड़ का ब्राउन राइस है, SOS ऑर्गेनिक बना रहे हैं इसको, और ये रेड राइस है। तो इस राइस की एक क्वालिटी ये है ना, ये बिना पॉलिश के है, लोग बहुत पसंद करते हैं इसको, और इससे ज्यादा खीर बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि हम भी लाल चावल खाते हैं, गांव से आते हैं। तो सर, आपने इतना समय दिया और काफ़ी टूर करवाया आपने अपने शॉप का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अपील करना चाहेंगे कि प्लीज़ अगर जो भी कोई ये वीडियोस देख रहा है, तो अपनी इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कीजिए और कुछ ना कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। जी जी, तो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा भी मोटिवेशन होता है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल, इससे मोटिवेशन भी होता है और आगे काम करने की इच्छा भी है। जी, तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो।